तो सू चैनल पब्लिक, वेलकम बैक टू दी चैनल। हूँ रूपेश चावड़ा और आज मैं आया हूँ गया में, और गया में आपको दिखाने वाला हूँ गया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, गया में जो विजिटिंग प्लेसेस है, गया आने का खर्चा कितना होता है, गया किस तरीके से आ सकते हैं, सारा का सारा इस डिटेल मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने यहाँ पे महाबोधि टेम्पल जो आया हुआ है उसका भी विजिट किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हेरिटेज है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो और विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज द 18th of December और टुडे इज द टाइम दैट वी आर लिविंग फ्रॉम पटना। सो हे पटना, सो भाई, एंड अभी हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन पर जो कि थोड़ी अलग है, थोड़ी ज़्यादा ही प्राचीन है और ज़्यादा मज़ेदार भी रहेगी। तो शायद एक दो दिन का प्लान वहाँ पे बन सकता है हमारा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ सुबह सुबह गुरुद्वारा से, मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, तो ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वहीं से जाएंगे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो अभी सीन ये है कि जब हम रिक्शा में बैठे गुरुद्वारा से तब हमें उतारा गया स्टेशन पर, ठीक है। और स्टेशन तक पहुँचे के मतलब पता चला कि मेमो तो नेक्स्ट स्टेशन पर आ रही है, और जब नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचे तब तक तो टाइम आउट हो गया था, तो गाड़ी छूट गया हमारा, ठीक। तो अभी हम जा रहे हैं बस से, तो हम पहुँचेंगे मीठापुर जहाँ पर हम पहली बार ड्रॉप हुए थे। अब यहीं से स्टेशन से हमने रिक्शा ले लिया, वो मीठापुर पहुंचाएगा हमें, तो बस ही से जाना पड़ रहा है फिर से। ओके, वी ऑल सेट टू गो, और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए और आपको बताएंगे कि गया में कौन कौन सी प्लेसेस है, अगर आप गया आते हो तो कहाँ पे स्टे करना है, कैसे घूमना है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चालू रखेंगे इस वीडियो को एंड तक, ठीक है। तो आज के व्लॉग के अंदर हमारा गाइडेंस करेंगे शुभम भाई, और शुभम भाई यहाँ के गया के लोकल है, उनका खुद का एक चैनल है, तो वो खुद के चैनल पर भी वीडियोस डालते हैं। तो आज वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे हर एक जगह। तो लोकल से जगह एक्सप्लेन होता है जब, तब उस जगह का ओरिजिनलिटी आता है, ठीक है। तो आज के हम हमारे पहले लोकेशन पर आ चुके हैं जिसका नाम है विष्णुपद वेदी। अब सुमन बताएंगे हमको पूरा का पूरा मंदिर के बारे में। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान का पद चिन्ह मिलेगा, और ये मंदिर रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर को प्योर काले पत्थर जो होता है ना, उसके उससे ये बनाया गया है। ये आपको बहुत पुराने मंदिर है, ये आपको इतिहास में भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। और अंदर आप घूमोगे तो वहाँ पे आपको सूर्य घड़ी मिलेगी, और सीता जी के द्वारा जो जिसे वरदान मिला था जिस पेड़ को, वट वृक्ष को, वो भी आपको अंदर देखने को मिलेगी। और मैं आपको अंदर का आप 16 वेदी है जहाँ पर पिंडदान का भी ज़्यादा महत्व है, वो भी आप अंदर देख सकते हैं। श्री महादेव के देव महादेव शंकर जी का भी शिवलिंग आपको बहुत सारा मिलेगा, और शनि देव का भी आपको मूर्ति मिलेगा आपको अंदर में। और ये आप ऊपर जो आप देख सकते हैं झंडा को, वो सवा मन सोने का है, उस वो झंडा को एक इसमें एक कहानी छुपा हुआ है। एक कहा जाता है एक बार एक चोर चुराने के लिए आया था इस झंडे को, तो उसके बाद उस वो चुराने के लिए ऊपर गया तो विष्णु भगवान ने उसे एक झटका दिया, वो नीचे गिरा, जहाँ पे वो गिरा वहाँ पे वो गड्ढा बन गया। तो वहाँ पे आज के लोग क्या करते हैं, मुंडन होता है, उसके जो बाल जो निकलता है वहाँ पे रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा महत्व है। बाजू में रास्ता पड़ता है जो कि जाता है फाल्गुन नदी को, और जहाँ पे आया हुआ है गदाधर घाट। गदाधर घाट, ये नदी फाल्गुन नदी है, नदी को श्राप मिला है ये कि ये नदी अंदर से बहेगी, आप अगर ये बालू को हटाओगे तो अंदर से स्वच्छ और शुद्ध जल आपको मिलेगा। और इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है, निरंजन नदी। और इस नदी में भगवान बुद्ध स्नान किया करते थे, पिंडदान के बहुत करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भारत के कोने कोने से और देश विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं और पिंडदान करते हैं। जैसे कि हम घूम रहे हो वाराणसी या फिर वृंदावन या मथुरा घूम रहे हो, वैसा ही लग रहा है सेम। जा रहे हैं हम मंगला गौरी और आपको भी दिखाएंगे कैसा है वहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ेगा और थोड़ा सा चलना पड़ेगा। राजा दस जब जग करे थे तो सभी देवी देवता को निमंत्रण दिए थे, परंतु भोलेनाथ को और माता सती को निमंत्रण नहीं दिए थे, तो भी भोलेनाथ से माता जीत करके चले गए थे राजा दस भी। वहाँ देखे सभी देवी देवता का स्थान बना हुआ है, उनके नाम का स्थान नहीं, तो जग विध्वंस करने के लिए वो अग्निकुंड में कूद पड़े। तो भोलेनाथ को पता चला
तो कंधे पर उठाए आकाश मार के लेके और बस चले। उसमें 108 खंड हुआ विष्णु भगवान के चक्र से। उसमें तीन मुख माना गया है, पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता। तो यहाँ पालन करता है, यहाँ द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान कामाख्या है, वहाँ जलम का भाग है, और तृतीय स्थान हो गया आपका ज्वाला देवी पंजाब। हम वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बोधगया। बोधगया आज का हमारा मेन लोकेशन है और जो भी गया आता है वो बोधगया के लिए ही आता है, ठीक है। तो शक्तिपीठ से आप जब बाहर ऑटो लेंगे तो पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज लगता है बोधगया जाने का, जो कि लेता है आधा घंटा पहुंचने को। बोधगया गया सिटी से दूर है थोड़ा, 10-12 किलोमीटर लगता है, तो इसका आपको इतना टाइम लगता है। वो यहाँ का फ्राइडे मार्केट है, यहाँ पे होलसेल वाला बार्गेनिंग वाला चीज मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जगन्नाथ मंदिर में, जो कि सेम हमशक्ल है, जो कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर आया हुआ है उसी का सेम हमशक्ल मंदिर यहाँ पे बोधगया में आया हुआ है। यहाँ पे जब से बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से बहुत सारा सिक्योरिटी चेक रहता है, तो आपको बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स पड़ाव में से आपको गुजरना पड़ेगा। महाबोधि टेंपल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपका जो फ़ोन का पूरा सेटअप है वो अलाउड नहीं है, इसलिए हम फ़ोन तो ले ही नहीं जा पाएंगे, आपको दूर से दिखा पाएंगे महाबोधि टेंपल बाहर से कैसा दिखता है। अगर आप DSLR लेके आ रहे हो और उससे आपको फ़ोटो खींच रहे हैं अंदर, तो उसका 100 रुपये चार्ज है, और अगर आपके पास कैमरा है मतलब वीडियो शूटिंग कैमरा है तो उसका 500 रुपीज़ चार्ज रहता है। अगर आपके पास फ़ोन है खुद का तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको जमा कर देंगे बाजू वाली खिड़की पे, ठीक है। सो गाइज, जस्ट कम्प्लीटेड महाबोधि टेम्पल विजिट, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इतना पीसफुल जगह है वो, और इतना बड़ा टेम्पल है एक्चुअली, और जो पूरा पहले दबा हुआ था, आधा दबा हुआ था, फिर खुदाई के दौरान वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकली, मूर्तियाँ निकली, बहुत सारी चीज़ें, स्तूपा निकले। वहाँ पीछे की ओर पीपल का वो पेड़ भी है जहाँ पर बैठ के भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके पीछे की तरफ ही एक कुंड बना है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, वो भी वहीं पे जगह है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं बहुत सारे, चाइनीज़ भिक्षुक भी आते हैं, तिब्बतन मॉन्क्स भी आते हैं, हर कोई आता है यहाँ पे अंदर बैठ के वो साधना करते, सब करते हैं। बहुत अच्छा प्लेस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो जगह। वो ध्यान में रखना एक बात कि यहाँ पे 7 बजे के बाद ऑटो कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, तो अगर आपको जाना पड़ेगा फिर रिजर्व में जाना पड़ेगा, और शेयरिंग से वो डबल या ट्रिपल गुना भी लग सकता है। तो अगर आप गया में आते हो और आपको लगता है कि और घूमना है, मतलब जगह कौन सा है क्या है, तो हमें तो घुमाया भाई शुभम व्लॉग्स ने। शुभम भाई अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ गाइडेंस किए, और इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेकआउट कीजिएगा। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, अगर आपको गया की अननोन प्लेसेस भी देखनी है और आस पड़ोस का भी देखना है तो भी बढ़िया से आपको डिस्क्रिप्शन में, और चेक करो कैसे कैसे वीडियोस वो बनाते हैं मस्त वाले, ठीक है। तो वीडियो देख लिया पूरा, बढ़िया है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर दैट, लाइक किए बिना जाएगा नहीं, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दिन था मेरा आज का गया में, और कल भी एक नया एडवेंचर होने वाला है, तो जुड़े रहे मेरे चैनल पर और देखते रहे मेरे वीडियोस, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं।